हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के अवतार कहा जाता है विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब में सबसे अलग। क्यों? क्योंकि आज का युग वो युग है जो बाकी तीनों युगों से कहीं अलग है। क्योंकि आज जितनी अधिक टेक्नोलॉजी ने उन्नति की, उतनी टेक्नोलॉजी की उन्नति, उतना एडवांसमेंट पहले कभी नहीं था। आज इंसान की सोच जितनी निचले स्तर पर गिर गई है, पहले वो सोच वैसी नहीं थी। और इसलिए कलयुग को कहा गया है वो अंधेरे का युग, जो सबसे खतरनाक युग है। अब खतरनाक युग से लड़ने के लिए, खतरनाक युग में जिंदा रहने के लिए और खतरनाक युग में जो प्योर सोल्स हैं उन्हें बचाने के लिए विष्णु भगवान ने सोचा, मैं भी क्यों ना एक ऐसे अवतार के रूप में जन्म लूं जिसका कोई मुकाबला कहीं पर भी नहीं कर सकता। यानी एक अनोखे अंदाज में, एक अलग अवतार में असीम शक्तियों के मालिक विष्णु भगवान ने कल्कि के रूप में जब इस धरती पर जन्म लिया, उनके जन्म के साथ ही लोगों ने ये सोचा कि वो सबके सामने आ जाएंगे और सब लोग उनके दर्शन ले सकेंगे। लेकिन आज भी कल्कि अवतार को सभी लोग ढूंढ रहे हैं ताकि उनका दर्शन प्राप्त हो सके। लेकिन आज भी इनविजिबल होकर युग परिवर्तन के कार्य को कल्कि अवतार निरंतर करते जा रहे हैं। जिस प्रकार इल्यूमिनेटी, वो सीक्रेट सोसाइटी जो कहाँ पर है, किस प्रकार अपना काम करती है, आज भी लोगों को नहीं पता। सिर्फ लोगों को इतना पता है कि इल्यूमिनेटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि अपना काम बहुत ही हिडन वे में करती है और उसके सीक्रेट्स भले ही बॉलीवुड, हॉलीवुड, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सभी के पास है, लेकिन उसके सीक्रेट्स को खोलने का मतलब है इंसान का अपनी जान से हाथ धो बैठना। तो जब इंसानी सीक्रेट सोसाइटी इस धरा पर मौजूद है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ है और किस प्रकार अपने कार्यों को अंजाम तक पहुँचा रही है, तो कल्कि अवतार ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी छद्म वेश में डिस्गाइज होकर इस धरती का भ्रमण करूं और देखूं तो सही कि आज के मनुष्य कहाँ तक, किस हद तक अपने कार्यों को छिपा कर रख सकते हैं और कहाँ तक बुराई को ले जा सकते हैं। इसलिए उनके सोच के अकॉर्डिंग और आज की परिस्थितियों की ज़रूरत के मुताबिक कल्कि अवतार ने भी सोच लिया कि वो हमेशा छद्म वेश धारण करेंगे। यानी लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, सबके बीच में रहकर एक ऐसे रूप में रहना जहाँ लोग उनके असली रूप को न देख पाएंगे, ना ही उन्हें पहचान पाएंगे कि सामने उनके जो है क्या वो कल्कि अवतार हैं। तो छद्म वेश इसलिए इंसान धारण करता है ताकि अपनी असली पहचान को वो छिपा कर रख सके, अपनी असली पहचान दूसरों के सामने उजागर ना कर सके। जिस प्रकार की रावण को दशानन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके 10 सिर थे। और इसलिए जब रावण भी उसका असली सिर कौन सा है या किस सिर को काट कर मार गिराने से रावण का अंत हो सकता है, रावण की मृत्यु किस प्रकार होगी, रावण भी अपने आप में एक रहस्य था। अगर विभीषण ने रावण की मृत्यु का राज राम जी को नहीं बतलाया होता तो वो आज तक एक रहस्य बन चुका रहता। उसी प्रकार आज कल्कि अवतार जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं कलयुग में, या यूं कहिए सबसे बड़ी मिस्ट्री जिसका पता आज क्या, कल क्या, कभी भी इंसान नहीं लगा पाएगा, लेकिन वो छद्म वेश में पूरी पृथ्वी पर सभी पर निगरानी रखे हुए, सभी को अपने शार्प विज़न के कंट्रोल में रखते हुए हर एक एक्शन को देख रहे हैं। लेकिन वो चूंकि छद्म वेश धारण किए हुए हैं इसलिए हम उन्हें न पहचान पाएंगे, ना ही जान पाएंगे कि वो कब, कहाँ, किस रूप में किसके सामने आ जाएंगे। लेकिन
रहेंगे वो पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर ही उनका मानव अवतार के रूप में जन्म हुआ है। आज भी वो संभल नगरी जो कि उनका जन्म स्थान है, उनके माता पिता यानी विष्णु, यश और सुमति सभी के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। आज भी लोग खोज नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार कल्कि अवतार जब अन्यायियों का खात्मा करने के लिए निकले हैं, अधर्मियों को जड़ से मिटाने के लिए निकले हैं, तो उन्हें भी इन अन्यायियों, अत्याचारियों, अधर्मियों का मुकाबला करने के लिए अपनी असली पहचान को छिपाना उन्होंने आवश्यक समझा, और इसलिए वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हर समय छद्म वेश में ही रहेंगे। यानी कोई भी उन्हें उनके असली रूप में वास्तव में नहीं जान पाएगा कि वो किस रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। जानने की हर कोई बहुत कोशिश करेगा, लेकिन वास्तव में विष्णु भगवान कल्कि के किस रूप में, कौन सा उनका असली रूप है, किस प्रकार वो दिखते हैं, कैसा उनका चेहरा है, कैसी उनकी हाइट है, ये कभी भी वो ऐसे पापियों, अत्याचारियों और जुल्मियों के सामने उजागर नहीं करना चाहेंगे जो लोग दूसरों के लिए आज एक रहस्य बने हुए हैं और दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज अपने थंबनेल का टाइटल चुना, अपने वीडियो का टाइटल चुना कि कल्कि अवतार विल रोम अबाउट इन डिस्गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।